नाउ लेट्स स्टार्ट योर इंग्लिश क्लास. ओके, कल हमने पढ़ा था आपको स्टैंडिंग ऑन स्लैंटिंग लाइन के स्ट्रोक करवाए थे और फिर मैंने आपको रिवीजन करवाया था. आज हम क्या करेंगे, कर्व स्ट्रोक. कर्व मींस गोलाई, जहां से चारों ओर से उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, ओ. अब आप लोग देखेंगे गोलाई किसको बोलते हैं, ये देखिए हमने इधर से लिया, यहाँ से भी ये गोलाई आ रही है, यहाँ से भी गोलाई आ रही है, यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है. इसको बोलते हैं सर्किल्स, कर्व. ठीक है, तो आपका ओ हो गया कर्व स्ट्रोक. ओ फॉर ऑरेंज. अब आपकी बुक देखिए, बुक में है मीट द लेटर ओ. क्या है ओ फॉर, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑस्ट्रिच एंड ओ फॉर ऑक्स. अब कैसे बनाना है ओ, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्मॉल स्ट्रोक कहाँ बनते हैं, बिटवीन द टू लाइंस, इन सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में हमें आपको कंप्लीट करना होता है. और मैंने कर भी बता दिया, चारों ओर से क्या है ये जो गोलाई आती है इसको बोलते हैं कर. अब आपको वो कैसे बनाना है, देखिए डॉट लगाए हमने आपकी जो होमवर्क भी दिया है कॉपी में, वहाँ भी ये डॉट लगे, यहाँ भी हमने डॉट लगा दिया. आप देखिए ऐसे लिया ये ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑस्ट्रिच और ओ फॉर ऑक्स. तो आपको जिस जिस बच्चों के पास बुक है बुक में भी प्रैक्टिस करना और एंड शो मैं आपको होमवर्क भी शो कर रही हूँ. यह क्या है आपका होमवर्क, जहाँ डॉट लगे हैं आपको ओ बनाना है और ऑरेंज को कलर करना है. मीन्स क्या है, सर्किल स्ट्रोक है लेटर ओ फॉर ऑरेंज. तो आप लोगों को ये ओ कंप्लीट करना है. कल हम लोग नए लेटर के साथ फिर मिलेंगे. बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, फिर मैं एक एक्टिविटी भी बढ़िया सी कराऊंगी आपके लिए. ओके okay?